मेरी तबीयत अच्छी है और बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले दो दिनों में। देखिए किडनी उनकी पुरानी प्रॉब्लम है, जो आपने सुना होगा जब रांची वगैरह से एम्स किया था तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं हुआ है। इट इज़ वेल अंडर कंट्रोल, यूरिन आता है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, पारस अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के आवास पर सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी चोट आई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके स्वास्थ्य को लेकर पूरा बिहार चिंतित है, पूरी बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं सभी लोग चिंतित हैं। और ऐसे में पारस अस्पताल के डॉक्टर ने लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ी जानकारी दी है और वीडियो साझा किया है। ये वीडियो देखिए किस तरीके से डॉक्टर जानकारी दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। नहीं, तबीयत अच्छी है और बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले दो दिनों में। बात कर रहे हैं, फैमिली से मिल रहे हैं। तो मतलब जो हड्डी टूटी थी, क्या दर्द अभी भी है या फिर? नहीं, कम हो गया है। वो सॉर्ट ऑफ इम्पैक्टेड फ्रैक्चर होता है, जो लूज नहीं होता है। नहीं, वो देखिए वैसे भी अपने घर में भी वो थोड़ा बाईपैप वगैरह यूज़ करते थे, छोटी वाली मशीन, उसके अलावा नहीं कुछ है। तो मतलब कैसा है, फिलहाल ठीक है? ये फिल हमारे हिसाब से अच्छे हैं। तो परिवार से अपने मिल रहे हैं, बात हो रही? बिल्कुल बात कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं और कई लोगों से और भी मिले हैं। कल अश्विनी चौबे साहब भी आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई है। तो अभी मंगल पांडे जी भी आ रहे हैं। पहले से भी कुछ किडनीज की प्रॉब्लम थी, दवाई? देखिए किडनी उनकी पुरानी प्रॉब्लम है, जो आपने सुना होगा जब रांची वगैरह से एम्स किया था तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं हुआ है। इट इज़ वेल अंडर कंट्रोल, यूरिन आता है। आपको घबराने की बात नहीं? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। दिल्ली जाने की सूचना है सर, दिल्ली रेफर करेंगे क्या आप? हम नहीं रेफर करेंगे, मगर अगर फैमिली चाहती है वहाँ ले जाने के लिए तो। तो देखा आपने, पारस अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव अब उनकी स्थिति जो है, लालू प्रसाद यादव की जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, अब पहले से अच्छे हैं लालू प्रसाद यादव और बहुत जल्द ठीक होकर सबके सामने आ जाएंगे। अगर स्थितियां वैसी बनती है तो उन्हें दिल्ली भी ले जाया जा सकता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक। मेरी तबीयत अच्छी है और बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले दो दिनों में। देखिए किडनी उनकी पुरानी प्रॉब्लम है, जो आपने सुना होगा जब रांची वगैरह से एम्स किया था तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं हुआ है। इट इज़ वेल अंडर कंट्रोल, यूरिन आता है।